नमस्कार, मैं जिगिसा, जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार सब्जी बनके तैयार हुई है, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिए है और इसके छिलके निकाल देंगे और हम इसको साइड में रख देंगे। 3 मीडियम साइज टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप करके ले लिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सर जार में प्योरी बना के भी यूज कर सकते हैं। ये जीरा लिया है मैंने, ये धनिया है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये है वरियाली जिसे सौंफ भी कहते हैं, आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर। मसाले आप अपनी चॉइस से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले मैंने तड़के के लिए लिए हैं, तज, लौंग, मरी, लाल सूखी मिर्च और तमालपत्र, जो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल, यह है ब्लैक पेपर पाउडर, आधी छोटी चम्मच से भी कम आप चाहे तो डालें, वरना इसे स्किप करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल जब हल्का सा गर्म होने लगे तब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो खड़े मसाले हमने लिए थे ना वो, तो तमालपत्र, तज, लौंग, मरी, इलायची, लाल सूखी मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा। जीरा हल्का सा तड़ने लगा है, इसके बाद मैं इसके अंदर वरियाली डालूंगी और ये है धनिया जिसको हमने मोटा मोटा कूट के डाल दिया है। यही जो सामग्री है वो हमारे सब्जी में एक नई सी जान ला देती है, इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। धीमी आंच पर ही आपको ये सारी सामग्री डालनी है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक डाला है, अदरक को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं। अदरक थोड़ा आगे पड़ता डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज और लहसुन का यूज नहीं किया है और हमने अभी थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया है, बाद में हम एडजस्ट करके अच्छे से नमक डाल देंगे, अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है। 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये लाल मिर्च पाउडर है और इसमें मैंने कश्मीरी और रेशम पट्टो लिया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी और ये छोटा चम्मच भर के धनिया और जीरा पाउडर डाला है। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जिसको हम गुजराती में मरी पाउडर कहते हैं, और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टोमेटो प्योरी। तो टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। धीमी आंच पर ही सारे मसाले को हमने भुने हैं फ्रेंड्स, धीमी आंच पर ही भुनना है वरना मसाले जल सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और धीमी आंच पर ही हम इसको पकने देंगे। जब तक हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इस मसाले को भुनना है और धीमी आंच पर भुनना है। 1-2 मिनट में ही हमारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और मैंने इसे धीमी आंच पर ही भुना है। अब मैं इसके अंदर किचन किंग गरम मसाला डालूंगी, बहुत ही कम मात्रा में मैंने डाला है। कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी को 2 हाथ से मसल के डालेंगे। कसूरी मेथी से सब्जी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, तो कसूरी मेथी का आप यूज जरूर से करें। और ये है आमचूर पाउडर जो कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने 3 टमाटर लिए हैं तो आमचूर पाउडर बहुत ही कम मात्रा में डाला है। आपको अगर खट्टा ज्यादा पसंद है तो थोड़ी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं।
अब हम एक आलू लेंगे और एकदम बारीक इसको इस तरह से मसल के डालेंगे, और दूसरे जो चार आलू है इसको मोटा मोटा तोड़ के डालेंगे। जो बारीक हमने मसल के डाला है ना, इसके कारण सब्जी में थोड़ी थिकनेस आती है फ्रेंड्स। तो एक आलू को हमने मसल के डाला है, बाकी के जो आलू है उसको हम मोटा मोटा तोड़ के डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले और आलू को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर इसको पकने देना है। आप देख सकते हैं आलू और मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद हम गैस की आंच को थोड़ा बढ़ाएंगे, और जब इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए इसके बाद फिर से हम गैस की आंच को धीमी करेंगे। और जब ये मसाला उबलना शुरू हो जाए और धीमी आंच पर हम फिर से इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इस सब्जी को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, अगर आप ज्यादा इसको पकने देंगे तो ये एकदम गाढ़ी हो जाती है। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। नमक कम था, मैंने मिला दिया है। पानी डालने के बाद आपको नमक टेस्ट करना है फ्रेंड्स, तभी आपको जजमेंट हो जाएगा कि नमक हमारा कम है या परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, गैस की आंच मैंने धीमी कर दी है। अब हमें इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से पकने देंगे। फ्रेंड्स, सब्जी बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं लास्ट में हम इसके ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से सब्जी में एक नई सी जान आ जाती है, तो धनिया पत्ती लास्ट में आप जरूर से डालें। और धनिया पत्ती डालने के बाद हम थोड़ी ही देर में गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। इस सब्जी से पूरे घर में खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। इससे आप पूरी रोटी या तो फिर भाखरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, पराठा। तो फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ना ही एकदम गाढ़ी है और ना ही पतली। तो फ्रेंड्स, इसी ऐसी ही सब्जी भंडारे में होती है और इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।